हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, आज की जो मैं आपको घटना बताने जा रहा हूं, इससे विभत्स घटना मैंने आज तक नहीं देखी। हमारे देश में सैनिकों का एक बहुत ही अलग सम्मान है, एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। अगर हम आज सुरक्षित हैं तो उसकी वजह है भारतीय सेना, जो कि सरहदों पर हमारे लिए लड़ रही है। आपको याद होगा कि कारगिल का युद्ध हुआ था सन 1999 में, और वहां पर कई सारे हमारे वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। लेकिन ये जो साइबर अपराधी हैं, आप ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीर में दिख रहे ये पांच लोग जिन्होंने अपना चेहरा ढक रखा है, एक्चुअल में इनको अपना चेहरा हमेशा के लिए ढक के रखना चाहिए, क्योंकि ये समाज में मुंह दिखाने लायक लोग नहीं है। ये वो पांच साइबर अपराधी हैं जिन्होंने मरणोपरांत कीर्ति चक्र प्राप्त एक शहीद के परिवार वालों से 44 लाख रुपए की ठगी की है। 44,46,000 रुपए की ठगी। एक मरणोपरांत एक शहीद है जिनको कीर्ति चक्र मिला है, एक माँ बाप, एक बुजुर्ग जो कि अपना बच्चा इस देश पर कुर्बान कर देते हैं, उन लोगों से इन साइबर ठगों ने 44,46,000 रुपए की ठगी कर ली। और वो किस नाम पर करी है? वो की है कीर्ति चक्र के ग्रांट दिलाने के नाम पर। अगर आपके दिल में इन शहीदों के लिए जरा सी भी जगह है, तो इस वीडियो को शेयर करके हर घर तक पहुंचाइएगा। हर घर तक पहुंचना चाहिए ये वीडियो, सबको पता चलना चाहिए कि इस तरह के लोगों के चेहरे जो है वो बेनकाब होने चाहिए, और लोगों को अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि भाई साहब कुछ भी हो सकता है, ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। उत्तराखंड के देहरादून के गुमानी वाला में रहने वाले एक बुजुर्ग दंपत्ति ने आकर के साइबर क्राइम में कंप्लेन दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके साथ 44 लाख रुपए की ठगी हो गई है, और वो भी कीर्ति चक्र के ग्रांट को दिलाने के नाम पर। तो यहां पर हुआ क्या, सबसे पहले उनके पास एक कॉल आता है, फरवरी में। तो कॉल करने वाले ने अपने आप को सैनिक कल्याण अधिकारी और सतर्कता विभाग रक्षा मंत्रालय के कार्यालय से बताया कि मैं यहां से आपको कॉल कर रहा हूं, और आपकी एक जो फाइल है वो निरस्तीकरण के लिए आए। बकायदा एक फाइल नंबर बताया कि ये निरस्तीकरण का एक फाइल है, JR00439 समथिंग, और आपका ये जो आपने चूंकि दिसंबर 2023 तक डेडलाइन थी जिसमें कि आपको फॉर्म 2 सबमिट करना था, वो आपने सबमिट नहीं किया है, इसलिए जो ये ग्रांट है इसको निरस्त किया जाता है। और हमारे पास रक्षा मंत्रालय में ये फाइल आई है। अगर अभी भी आप इसको बचाना चाहते हैं, इस ग्रांट को लेना चाहते हैं जो कि आपको 2021 से लेकर के 2037 तक दिया जाने वाला है, यानी कि इतनी लंबी अवधि तक आपको जो 12 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलने वाले थे वो अब आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने फॉर्म फिल नहीं किया है। अब यहां पर उनको एक ऑप्शन दिया जाता है, उनको बताया जाता है कि अगर आपको ये ग्रांट लेना है 12 लाख रुपए पर ईयर का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुख्य सतर्कता अधिकारी, उन्होंने नाम बताया कुछ पीएन गुलाटी, उनके एक सचिव का नंबर दिया, बताया कि ये इनके सचिव हैं, इनको आप कॉल कर लीजिए। बकायदा एक नंबर दिया और बताया कि विवेक राजपूत नाम से कोई एक व्यक्ति है जो उनके सचिव हैं, उनको आप कॉल कर लीजिए। कॉल करने के बाद आपका इस मामले को, इस मैटर को देख लिया जाएगा कि अभी भी कुछ किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो शहीद के पेरेंट्स ने क्या किया, उस नंबर पर कॉल कर लिया। कॉल करने के बाद सामने वाले ने फोन उठाया और उन्होंने बताया कि आपको जो है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, आप ये फॉर्म्स दे दीजिए, ये डॉक्यूमेंट दे दीजिए, हम देख सकते हैं, देख लेंगे कि रक्षा मंत्रालय में आपकी फाइल प्रोसेसिंग के लिए डाल देते हैं, देख लेंगे कि अगर कुछ हो सकता है तो आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। कुछ दिनों बाद पीएन गुलाटी, जो कि कथित नाम बताया गया है कि मुख्य सतर्कता अधिकारी है, उनकी तरफ से उस दंपत्ति को कॉल जाता है। कॉल जाने के बाद उनको बताया जाता है कि आपका ये जो है अप्रूवल आ गया है, इसके लिए आपको 1,98,000 रुपए तुरंत आरटीजीएस करने पड़ेंगे। उन्होंने भी, दंपत्ति ने भी, चूंकि उनको कुछ गलत लग नहीं रहा था इसमें, और ये ऐसे फ्रॉड्स आप आमतौर पर सुनते नहीं है, उन्होंने क्या किया, 1,98,000 रुपए उनको ट्रांसफर कर दिए। उसके बाद ये मनी ट्रांसफर का सिलसिला ही चल पड़ा। दरअसल उनको एनओसी के नाम पर, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर, फाइल चार्जेस के नाम पर, अलग अलग नाम पर, अलग अलग डेट्स पर, यानी कि फरवरी से ये शुरुआत हुई थी और 22 अप्रैल तक के बीच में अलग अलग राशि उनको बताई गई और उनसे 44,46,000 रुपए ठग लिए गए। अब इतना पैसा पे करने के बाद जब उनको थोड़ी सी भनक लगी कि ये फ्रॉड भी हो सकता है, तो उन्होंने सैनिक कल्याण विभाग से संपर्क किया उत्तराखंड में, तो उनको पता चला कि ये सब कुछ फ्रॉड है, ऐसी कोई स्कीम नहीं दी गई। तब जाकर के दंपत्ति ने साइबर क्राइम में जाकर कंप्लेन दर्ज कराई। मामला बहुत गंभीर था, पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए एक एसटीएफ गठित की, जहां पर एक पूरी टीम ने सबसे पहले तो उन नंबरों को ट्रेस करने की कोशिश की जिन नंबरों से इनको कॉल आ रहे थे। पता चला कि वो नंबर बंद है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर लिए गए। बाद में उन बैंक अकाउंट्स को ट्रेस किया गया जिन अकाउंट्स में पैसे मंगाए गए थे, वहां पर भी पता चला कि वो बैंक अकाउंट जो है वो फर्जी
आधार कार्ड और फर्जी पैन कार्ड फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर खोले गए थे। धीरे धीरे करके कड़ियां जोड़ी गई तो पता चला कि ये पूरा जो गिरोह है ये दिल्ली से ऑपरेट करता है, दिल्ली के लक्ष्मी नगर में। ये पांच लोग जिनके नाम ये हैं आप देख सकते हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी लक्ष्मी नगर से की गई है और इनके पास से 20 मोबाइल, 42 सिम कार्ड और 42 डेबिट कार्ड, 15 जो है फेक आधार कार्ड पैन कार्ड और इस तरह की चीजें बरामद की है और साथ में कुछ 1.5 लाख रुपए और एक लैपटॉप बरामद किया है। तो ये पांचों लोग मिलकर के एक गिरोह बनाते हैं, गिरोह बना करके इस तरह से सैनिकों को, सोचिए आप, मतलब आप कितना टारगेटेड है, मतलब ये स्कैम समझ रहे हो आप। ठीक ऐसा ही स्कैम ये इंश्योरेंस के नाम पे चलता था। आपको पता होगा कि आपको एक कॉल आती है, आपको 10 साल पहले लिए हुए इंश्योरेंस के बारे में याद दिलाया जाता है और आपको बताया जाता है कि आपने प्रीमियम नहीं पे किया था, सिर्फ एक प्रीमियम पे किया है और हमारे पास कैंसिलेशन के लिए फाइल आई है। ठीक वही मॉडस ऑपरेंडी उठा करके इन्होंने यहां चिपका दिया और सोचो आप कितनी घटिया घिनौनी, इसको आप कितना गिरा हुआ कह सकते हो। मतलब यार साइबर क्राइम करना और पहले ही कितना घिनौना है और फिर ऐसे लोगों के साथ करना जिन्होंने देश के लिए अपने बच्चे को कुर्बान कर दिया, आप उनके साथ जाकर के लाखों करोड़ों रुपए की ठगी कर लेते हो, मतलब थू है यार, मतलब उससे ज्यादा क्या ही कह सकते हो। मतलब इन लोगों की इतनी कड़ी सजा होनी चाहिए, 44 लाख तो क्या, इन लोगों से जेब से इनको पूरा ट्राई करना चाहिए, इनको देखना चाहिए कि इन्होंने इसके पहले भी क्या कोई घटनाएं की हैं, क्या इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनके तो घर बिक जाने चाहिए मैं तो कहता हूं। मतलब 44 लाख की जगह ना अगर इनके घर बेच करके 4 करोड़ रुपए की रिकवरी होती है तो रिकवरी करके उस शहीद परिवार को देना चाहिए। तो यहां पर सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। नए नए नित्य नए नए कांड ये लोग कर रहे हैं, रोज नई स्कीम निकाल रहे हैं, रोज नया पैतरा निकाल रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सतर्क रहना है। वो आप क्या है ना कि वीडियो देख करके पूरा देखते नहीं हो, शुरुआत का थोड़ा बहुत देख लिया, उन्होंने कहा हाँ यार ठीक है, एक ही चीज दिमाग में है, ओटीपी नहीं देना है, लिंक पर क्लिक नहीं करना। भाई साहब साइबर क्राइम जो है वो उससे बहुत आगे निकल गया है, वो तो चल ही रहा है, उससे बहुत आगे निकल गया है। मैनिपुलेशन करके लोगों से पैसे निकाल लिए जाते हैं और जहां पर आपकी जरूरत हो, यहां पर तो देखो जरूरत वाली बात थी और एक प्राइड, एक कीर्ति चक्र, भारत सरकार का एक सम्मान दिया गया था, इसमें आप लालच नहीं कह सकते कि ये लालची हो गए थे, ये तो सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई योजना उनको बताई गई थी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये लालची थे इसलिए इनके साथ स्कैम हो गया, बिल्कुल गलत है ये कहना, बहुत लोग ऐसा कह जाते हैं आकर के। सतर्क रहिए, इस तरह की वीडियोस मेरी हो किसी और की हो उनको शेयर करना सीखिए। बहुत बुरा लगता है कि कोई नाचने वाला वीडियो आ जाता है, कुछ आ जाता है, वो एक ट्रेंडिंग पे चलने लग जाता है, लेकिन आज तक कभी आपने देखा है कि कोई स्कैम रिलेटेड वीडियो कहीं ट्रेंडिंग पर गया हो? हाँ, वो एक संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा को छोड़ दिया जाए क्योंकि ऑलरेडी वो इतने जायंट हैं इंटरनेट पे, उनकी प्रेजेंस कितनी पुरानी है और कितने बड़े वो लोग हैं, तो उनकी ऑब्वियस ही बात है कि वो उस घटना को छोड़ दिया जाए। उसके अलावा आप मुझे बता दो कि ट्रेंडिंग पर आज के समय में कहीं कोई ऐसा कोई वीडियो यूट्यूब ट्रेंड पर आया हो जहां पर ये बताया गया हो कि इस तरह का साइबर क्राइम है, साइबर अपराध है, उससे बच कर रहो। क्यों? क्योंकि आप लोग देखना पसंद नहीं करते, पसंद देख भी लिया तो ठीक है, हल्के में लेके छोड़ दिया, शेयर करना पसंद नहीं करते। एनीवेज कोई बात नहीं, मेरा काम है आपको अवेयर करना, मैं आपको अवेयर करता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस तरह के साइबर अपराधियों के साथ क्या होना चाहिए। अगर आपका जरा सा भी खून खौल रहा हो ना ये खबर देखने के बाद, तो इस वीडियो को हर घर तक पहुंचा देना कि देश पर मर मिटने वाले शहीदों के साथ इस तरह का जो बर्ताव है वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।